नमस्कार, मैं सतपाल सिंह गांधी। वेलकम टू माय लाइफ पेज। आज हम बात करेंगे बर्ड वॉचिंग की। बर्ड वॉचिंग एक प्रोफेशन और एक शौक। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं। मैं पिछले 25 साल से बर्ड वॉचिंग कर रहा हूं। और बर्ड वॉचिंग कैसे शुरू हुई, एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ रहा, टर्निंग पॉइंट रहा है मेरी जिंदगी में। बर्ड वॉचिंग बेसिकली चिड़ियों को पहचानना, उनके बारे में जानना ही बर्ड वॉचिंग है। बर्ड वॉचिंग करते करते आप चिड़ियों को तो जानते ही हैं, चिड़ियों का हैबिटेट, ज्योग्राफी, पेड़ पौधे, वनस्पति, एनवायरमेंट, इन सबके बारे में आपको जानकारी मिलती है। आप जानते हैं कि चिड़ियां पेड़ों में रहती हैं, ओपन में रहती हैं, तो आपको नेचुरल हिस्ट्री के बारे में जानना थोड़ा जरूरी है। नेचुरल हिस्ट्री से मेरा मतलब है, आप जब चिड़िया के बारे में जानेंगे तो आपको पेड़ पौधे, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, एनवायरमेंट, मौसम, पेड़, पहाड़, नदियां, इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। कोई भी काम हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी शौक हो, उसके लिए पेशेंस सबसे बड़ा टूल है। अगर आप में पेशेंस है तो आप एक अच्छे बर्ड वॉचर बन सकते हैं, क्योंकि कई बार एक चिड़िया को देखने के लिए आपको घंटों बैठना पड़ता है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। अच्छाइयों में सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगा ये एक नोबल हॉबी है या एक रॉयल हॉबी है। हॉबीज बहुत हो सकती हैं। आप हॉबी टीवी देखने को भी हॉबी बोल सकते हैं, वीडियो गेम खेलने को भी हॉबी बोल सकते हैं, पेंटिंग को भी हॉबी बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स को भी हॉबी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको क्लासिफाई करें तो हॉबी अच्छी हॉबी और बुरी हॉबी हो सकती है। टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना हॉबी हो सकती है, लेकिन इसको मैं अच्छी हॉबी की श्रेणी में नहीं रखता। आप स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्ट करते हैं, बर्ड वॉचर हैं या नेचुरलिस्ट हैं, ये आपकी नोबल हॉबीज हैं। तो नोबल हॉबीज आपको दुनिया से अलग खड़ा करके दिखाती हैं, आप दूर से अलग पहचान बनाते हैं अपनी, अगर आपके पास नोबल हॉबी है। चैलेंजेस में आपको सबसे पहले हार्डशिप्स की आदत डालनी पड़ती है। हम कोई भी शौक, मान लीजिए कमरे के अंदर के शौक है, बुक रीडिंग का शौक है, आप एसी में एक कंफर्टेबल रूम में, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बुक रीडिंग कर सकते हैं। आपको मूवी देखने का शौक है, वो भी आप इंडोर बैठकर देख सकते हैं। लेकिन बर्ड वॉचिंग के लिए तो आपको हार्डशिप झेलनी पड़ेगी, जंगल जाना पड़ेगा, पैदल घूमना पड़ेगा, एडवर्स वेदर कंडीशन में जाना पड़ेगा। सालिम अली बहुत बड़े बर्ड वॉचर हुए हैं और उनकी एक हैबिट थी, जब भी वो जंगल में जाया करते थे तो रास्ते भर में सुबेरे से लेकर शाम तक वो रास्ते में पानी नहीं पीते थे। उसके पीछे एक रीजन था कि आज की डेट में आपके पास पानी की बॉटल्स हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं, रास्ते में नदियां भी मिल सकती हैं, झरने भी मिल सकते हैं, आपको पानी में कोई दिक्कत नहीं होगी पीने के लिए, भूख लगती है खाना खा सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया था कि वो सुबह पानी पीकर जाते थे और लौट कर आके पानी पीते थे। तो किसी ने पूछा कि सर आपने ये हैबिट क्यों बनाई, तो उनका कहना था कि जब मैं बर्ड वॉचिंग करने जाता हूं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा मेरे को पानी की अवेलेबिलिटी हो, नदी मिलेगी या झरना मिलेगा या मेरे पास पानी होगा या खत्म हो जाएगा। जब मेरे पास ऐसा सिचुएशन आएगी कि मेरे को पानी नहीं मिल रहा तो उस समय मेरे लिए हार्डशिप होगी, मेरे लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो उन्होंने अपने आप को इतना टेम कर लिया था कि वो बिना पानी के पूरा दिन सर्वाइव कर सकते थे। ये एक स्किल था उनका। तो इन्हीं स्किल को भी हम अपनी कोशिश करते हैं लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल स्किल है। तो एक बर्ड वॉचर की लाइफ में मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचता था कि जब हम बर्ड वॉचिंग करने जाते हैं, एक छोटा सा कैरी बैग या रक्सैक या झोला आपको रखना है, उसके अंदर आपको पूरे दिन की क्या क्या चीजें आपको जरूरत है, एक बाइनोकुलर, एक फील्ड गाइड जिसमें आप बर्ड्स को पहचानते हैं, उनमें फोटोग्राफ होते हैं, एक नोटबुक, पेन पेंसिल और थोड़ा सा खाने का सामान और पानी की बॉटल, ये चीजें हम सवेरे लेकर चलते हैं। तो कहीं आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता कि हम जा रहे हैं कहीं, आपको भूख लगी है तो आप रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं या कोई ढाबा ढूंढ रहे हैं जहां आपको खाने की जरूरत हो। सवेरे बर्ड वॉचिंग करते हैं, सवेरे से चलकर शाम को लौटते हैं, तो आप घर से चले, खाना खाकर चले और इतना
इतना वेल इक्विप्ड होकर चले कि आपको दिन भर में कोई दिक्कत ना आए, किसी चीज की जरूरत ना पड़े जो आपके पास नहीं है। बर्ड वॉचिंग सुबह से शुरू हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग सनराइज से पहले बर्ड वॉचिंग का बहुत शुरुआत होती है। सनराइज के टाइम पर आपको उठना पड़ता है, चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो, आपको अर्ली मॉर्निंग उठकर बर्ड वॉचिंग करना है। बर्ड सुबेरे सुबेरे ज्यादा एक्टिव होती है, ज्यादा वोकल होती है, और लेटर दोपहर को आप बर्ड वॉचिंग कम कर पाते हो, फिर इवनिंग में शाम को आपको बर्ड वॉचिंग करने का टाइम मिलता है। तो बर्ड वॉचर का दिन पूरे दिन का रहता है। आप छोटे ट्रिप्स भी मार सकते हैं, आप अपने घर के पास कहीं जाना चाहें 2 घंटे का भी शॉर्ट ट्रिप कर सकते हैं, लेकिन फुल डे का बर्डिंग ट्रिप का मजा ही अलग है। उम्मीद है कि मेरे इस पर्सनल एक्सपीरियंस से या जो मैंने सीखा है आपको बर्ड वॉचिंग के ऊपर एक ब्रीफ सा फीडबैक मिला होगा। अगर आप इसको शौक की तरह पालना चाहें शौक रख सकते हैं, और प्रोफेशन बनाना चाहें तो इसको प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है। धन्यवाद।